दिग्रस एसटी डिपो बीते दिनों से जारी एसटी कर्मचारियों के आंदोलन को शिवसेना विधायक संजय राठौर ने अब तक पलट कर भी नहीं देखा है। इस आशय की खबर एनबीसी न्यूज चैनल ने गुरुवार को जारी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार को विधायक संजय राठौर ने एसटी बस स्टैंड पहुंचकर स्थानीय आंदोलनकारियों से मुलाकात की है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। दिग्रस शहर के नए एसटी बस स्टैंड पर स्थानीय एसटी कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का मकसद है कि एसटी विभाग को राज्य सरकार सरकारी विभाग में विलय कराए। इस आंदोलन को अब तक कई नेताओं ने दिग्रस में आकर भेंट दी है। ऐसे में बीते गुरुवार को एनबीसीएन न्यूज ने खबर प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि अब तक स्थानीय शिवसेना विधायक संजय राठौर ने इन कर्मचारियों की ओर और इनके आंदोलन की ओर पलट कर तक नहीं देखा। इस खबर के बाद शुक्रवार को संजय राठौर ने यहाँ पहुंचकर इन कर्मचारियों से बातचीत की और उनसे आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भरोसा करते हुए आंदोलन को पीछे ले और अपना काम शुरू करें। विधायक महोदय की बात पर स्थानीय आंदोलनकारी कर्मचारियों ने ऐतराज जताते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार पूर्ण रूप से उनकी मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, वो आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। मालूम हो कि राज्य में अब तक एसटी विभाग के कर्मचारियों के इस आंदोलन पर ऐतराज जताते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार तक राज्य के कुल 2056 एसटी कर्मचारियों को निलंबित किया है, जिसमें दिग्रस डिपो के 11 कर्मचारियों का भी नाम शामिल है। ऐसे में शुक्रवार को आंदोलनकारियों ने निलंबित हुए 11 कर्मचारियों का सत्कार किया। 28 तारखेला कृती समिती ने आम्हाला सर्व कामगारांना एकत्र करून शासनासोबत मिलीभगत करून आम्हाला फक्त 28% जो आमच्या हक्कासाठी हात दिला, पण हा आमच्या कामगारांना अमान्य असल्यामुळे आम्ही परत 3 तारखेच्या रात्रीपासून शासनाचा निषेध व आम्हाला हे 28% दे मान्य नाही व आम्हाला शासकीय सेवेतच विलीनीकरण करावं या मागणीसाठी आम्ही 3 तारखेच्या रात्रीपासून ते बसलेलो आहोत। त्याआधी आम्ही सर्वजण निषेध म्हणून आमचे मुंडनसुद्धा केले, त्यानंतर बऱ्याचशा लोकांनी आपले काम बंद आंदोलन करून एकही फेरी आपली काढली नाही व तेव्हापासून आम्ही सतत वेगवेगळ्या पद्धतीचे आंदोलन करत आहोत। याचाच रोष म्हणून शासनाने काल आमच्या आगारातील 11 जणांना निलंबन केले। आपको बता दें कि संजय राठौर से पहले शुक्रवार को ही पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री संजय देशमुख ने यहां आकर एक बार फिर इन कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में शनिवार को एसटी विभाग के कर्मचारियों को साथ लेकर रैली निकालकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और शहरवासियों से जुड़ने की अपील भी की है। परंतु शासन याच्याकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करत आहे आणि दुसऱ्या छोट्या मोठ्या मागण्या त्यांनी मान्य केल्या तरी त्या मागण्याला तेवढा काही अर्थ नाही, म्हणून शासनामध्ये विलीनीकरण झालं पाहिजे। गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही मागणी आहे, परंतु ती मागणी पूर्ण होत नाही, म्हणून संजय देशमुख मित्रमंडळ परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीनं आमच्या कर्मचारी बांधवांना घेऊन आम्ही उद्या त्या ठिकाणी मोर्चाचं आयोजन दिग्रस शहरामध्ये आम्ही केलेलं आहे। माझी सर्व गावकरी बांधवांना विनंती आहे, सर्व मंडळीला सुद्धा विनंती आहे की आमच्या एसटी महामंडळा बांधवांच्या ज्या व्यथा आहे त्या व्यथेला आपण पाठिंबा दिला पाहिजे, आपण सर्वजण हजर राहिलो पाहिजे आणि त्यांच्या मागणीला समर्थन केलं पाहिजे अशी कळकळीची विनंती दिग्रसवासियांना मी या ठिकाणी करतो, तालुक्यातील मंडळींना सुद्धा करतो। मोठ्या संख्येनं आपण सर्वजण उद्या 11 वाजता एसटी बहरहाल एसटी विभाग की ओर से राज्य भर में जारी आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। दिग्रस डिपो के कर्मचारी भी विधायक संजय राठौर के आश्वासन के बाद भी अपनी मांगों पर अड़िग है। ऐसे में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन कर्मचारियों का यह आंदोलन का बवंडर कहां जाकर थमता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।